अरे ये है कौन? क्यों पकड़ी है हमारी गेंद? चल वापस कर। क्यों पकड़ नहीं पाए? लो फिर से कोशिश कर लो। ये तो गेंद से भी तेज दौड़ता है। पर ये है कौन? कालिया रस्सी खींचे रखना, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है। तुम ठीक हो? देखा अफलातून के होते हुए इस गांव में किसी और की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ये पृथ्वीवासी हमारे आगे टिक नहीं सकते। इनके पास हमारे जैसे शानदार गैजेट्स हो ही नहीं सकते। बाकी पृथ्वीवासी शायद ना टिक पाए, पर मेरी बात कुछ और है। मुझे क्या हो गया? मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। सारा शरीर अकड़ गया। उस्ताद, पहले तुम बस पत्थर दिल थे, अब पूरे के पूरे पत्थर हो गए हो। तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। जन्माष्टमी नाटक सभा। नाटक में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक नाटक, स्टेज लगाने का इंतजाम, पोशाकें और सामान, नाटक का लोगों में विज्ञापन प्रचार और क्या? कृष्ण के किरदार के लिए एक सुंदर सी बांसुरी और बांसुरी को सुंदर बजाने के लिए बहुत सारा अभ्यास। मैं कह रहा था हम में से सिर्फ भीम को ही थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी आती है, तो कृष्ण का रोल भीम को ही करना चाहिए। मैं तो आराम से पेड़ की छांव तले बैठकर नाटक लिखूंगा।
और ढिंडोरा पीटने का काम हम पर छोड़ दो। इतना जोरदार प्रचार करेंगे कि नाटक होगा सुपर हिट हाउसफुल। मैं और चुटकी पोशाकें तैयार कर लेंगे और हम स्टेज की सजावट। सुनो भाई, इस साल जन्माष्टमी का नाटक देखिएगा जरूर, आइएगा जरूर, देखिएगा जरूर। इस साल जन्माष्टमी का नाटक आइएगा जरूर, देखिएगा जरूर। वाह, क्या बांसुरी बजा रहा है, सुंदर अति सुंदर। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजा रहा है कि लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप ही खींचे चले आएंगे। यूं लग रहा है मानो बांसुरी का संगीत कोई बिना शब्दों की भाषा है जिसे हर कोई सुन और समझ लेता है। भी याद है ना कि भीम के स्टेज पर आते ही तुम्हें क्या करना है? अब कुछ याद आया? हमें सब याद आ गया। और अब पेश है वो नाटक जिसे देखने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। भीम और कृष्णा फिर से करेंगे किरमाड़ा का अंत। ना कोई राजा ना कोई रानी, सुनो सुनो सब एक कहानी। अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई की हुई थी हार। भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा की खूब लगाई मार। चटाएं भीम और कृष्णा, ये भीम और कृष्णा। उस्ताद के बाद अपना ही नंबर आएगा। यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये
कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा को खूब लगाई मार। हमें तो ये नाटक बहुत पसंद आया। मैं तुम सबने तो कमाल ही कर दिया। असली कमाल तो कृष्णा का है। हमें तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। मेरे दोस्तों ने मुझे याद किया और मैं ना आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह लड्डू। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। अह
प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या, लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुपा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी है नहीं चुम्बा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। अरे चाचा, इस अजीब सी घाटी के अलावा इन्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या मुकाबला करने के लिए? चुप मंगलो चुप। ये जगह अजीब नहीं, हम डाकुओं की जन्म भूमि है। ये हमारी वीर धरती। सही कहा बूढ़े चाचा, ये वीर धरती ही है, वीर धरती। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दो गीदर यहाँ क्या करने आए हो। मैं डाकू मंगल सिंह यहाँ महा डाकू संग्राम में हिस्सा लेने आया हूँ। तो तुम हो मूंग दाल, जिसे भीम नाम का बच्चा बार बार कूट जाता है। काफी नाम है तुम्हारा यहाँ पे। तुम सब बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं संग्राम में ये साबित करके रहूंगा कि मैं ही महाडाकू बनने के लायक हूँ और कोई नहीं, कोई नहीं। इस चुनौती में जो डाकू सबसे ज्यादा कद्दू बोरियों में लाद पाएगा वो ही जीतेगा, समझे? Oh, my God.
खत्म हुई। इस बार तो टिक पाए मूंग दाल, और अगली बार तुम इस मुकाबले के बाहर हो जाओगे, देखना। तुम तीनों को एक घंटे का वक्त दिया जाएगा, इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उनपे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा वही संग्राम जीतेगा और महा डाकू कहलाएगा। राजू, जग्गू, चुटकी, कहाँ हो तुम सब? छोटा भीम, ये काम छे। हाँ, डाकू मंगल सिंह। तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डाला दूंगा। बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आगे उड़ाओ, साथ हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार, मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे, मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं, कौन पहले खाना खाना चाहता है, हाथ उठाओ। कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था, पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार? ये मेरे चार वोट है, कालिया के तीन। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। आहा,
चोटी, तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस दांत का लात पड़ी, हमने सब देखा। गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाना होगा।
यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ जाओ।